तो क्या आप अभी तक विंडोज 7 यूज कर रहे हैं? मतलब आपके घर पे कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो या फिर ऑफिस में कहीं भी आप अगर अभी तक विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आने वाले कुछ ही दिनों में विंडोज 7 का मतलब है बंद होने वाला है। ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये न्यूज़ आई है। तो जैसे कि आपने एक्सपी के बारे में सुना होगा उसी तरह विंडोज 7 भी बंद हो रहा है। तो जी हाँ, तो इसके लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। तो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ज्ञान फॉर डे। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं ज्ञान फॉर डे। वीडियो को आगे शुरू करते हैं तो अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को मैसेजेस जा रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि आपका जो है विंडोज अपडेट करवा लीजिए। अगर आप विंडोज 7 इसी कंडीशन में यूज करते हैं तो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए ये रिक्स हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट जो कि है विंडोज 7 का जो है खत्म होने वाला है, मतलब उसका जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट को बंद करने वाला है 14 जून 2020 को, मतलब 14 जून 2020 को लास्ट होगा विंडोज 7। उसके बाद विंडोज 7 बंद हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, मतलब ऑफिशियली नहीं मिलेगा। आप क्रैक वर्जन वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी रिस्की हो सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कहा है कि विंडोज 7 का वो सपोर्ट एंड कर रहे हैं 2020 में, पर उसके साथ और एक मैसेज जा रहा है यूजर्स को कि आपका जो है सिस्टम या फिर जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हो उसको अपग्रेड कीजिए, क्योंकि विंडोज 10 के लिए कुछ एडवांस फीचर्स लगेंगे, एडवांस हार्डवेयर लगेगा, उसके लिए भी आपको ये अपग्रेड करना होगा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक ही काम में दो काम, मतलब एक मैसेज में दो काम कर रहा है कि आपको 7 से 10 तक भी पहुँचा रहा है और जूनियर मशीनों से लेके आपको नए मतलब अपग्रेडेड सिस्टम भी यूज़ करने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं कह सकते, आपको एक मतलब वार्निंग दे रहा है कि आपको अगर ये सर्विस यूज़ करनी है विंडोज 10 की तो आपको मशीन भी इंक्रीज़ करनी होगी, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट कुछ अलग है विंडोज 7 के मुताबिक। क्योंकि विंडोज 10 एक काफ़ी हैवी सिस्टम है और काफ़ी उसके अंदर ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी एक साल से, तो काफ़ी कूल है और काफ़ी यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको नॉर्मल पर्सन जो कि विंडोज 7 यूज़ कर रहा है उसको विंडोज 10 यूज़ करने में कोई दिक्कत या फिर मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद अगर आगे बात करता हूँ तो विंडोज 10 का जो मई 2019 में जो अपडेट आने वाला है वो होगा 32 GB, मतलब ये सबसे बड़ा अपडेट होगा। इसके लिए 32 GB स्पेस आपको लगेगी। तो इसके अंदर दो वर्जन होगा, एक 64 GB और एक 64 बिट और 32 बिट रहेगा। तो 64 बिट के लिए आपको 32 GB लगेगा और जो आपका 32 बिट रहेगा उसके लिए आपको 16 GB इनफ होगा। तो कुछ ये दो टाइप के अपडेट आने वाले हैं, मतलब इसके दो वर्जन है, तो जो भी आपका हार्डवेयर है उसके मुताबिक आपको अपडेट ये आ जाएगा। तो इस अपडेट के बाद काफी सारे नए फीचर्स आपको देखने मिलेंगे, काफी सारे जो कि है इंटरफेस, यूजर इंटरफेस चेंज होने वाला है, UI चेंज होने वाला है, तो आपको देखने के लिए मजा आएगा, यूज करने के लिए भी मजा आएगा। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो जैसे ये फीचर्स जो कि आने वाले फीचर्स है अपडेट के बाद, अगर जो भी फीचर्स आते हैं तो उसके एक वीडियो बना के आपको पोस्ट करूंगा, तो आप भी सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स आपको अपडेट से पहले मिलने वाले हैं। तो आज तक के लिए वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और आज तक के लिए वीडियो इतनी थी, आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।